हेलो व्यूवर्स, अगर शाम को आप कुछ लाइट और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आज हम बनाएंगे रवा ब्रोकली उत्तपम। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। रवा और ब्रोकली उत्तपम बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी लिया हुआ है। ये छान कर ली हुई सूजी या रवा है। और 1 कप दही हमने फेंट के लिया हुआ है। इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए। जितनी सूजी हम लेंगे उतना ही हम दही लेंगे। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जैसे 2 कप सूजी लेंगे तो 2 कप दही लेंगे और आधा हम ब्रोकली लेंगे। अब हम एक बर्तन में 1 कप सूजी और दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से फिट चुका है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 1 घंटा रखेंगे। हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, इनो का यूज़ नहीं करेंगे। 1 घंटा बस हम इसको ढककर रख देंगे और फर्मेंटेशन इसमें हो जाएगा। रवा ब्रोकली उत्तपम बनाने के लिए हमने ब्रोकली को थोड़ा सा बॉईल किया है। अब हम इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। देखिए ब्रोकली को हमने बॉईल करके ले लिया था। अब हम इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। इसको हमें सूजी में मिक्स करना है। और उत्तपम के टॉपिंग के लिए हमने सिर्फ अनियन और कोरिएंडर लीव्स लिया है। देखिए ब्रोकली हमने बारीक चॉप करके ले लिया है। हम 1 घंटा हो चुका है, हमारा बैटर भी तैयार हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारा बैटर एकदम फूल के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ब्रोकली और नमक मिलाएंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। वैसे मैंने आधा चम्मच नमक लिया हुआ है। देखिए हमने बैटर में नमक और ब्रोकली मिक्स कर लिया है, ये हमारा बैटर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। उत्तपम के लिए ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। उत्तपम बनाने के लिए तवे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उत्तपम हम ऑयल में नहीं बनाएंगे। ये हमने घर का बना हुआ घी लिया हुआ है, देसी घी। इसमें हम उत्तपम बनाएंगे। घी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो भी आप ये उत्तपम खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। अब हम इसको पलट कर सेकेंगे। ये देखिए हमारा एक उत्तपम रेडी हो चुका है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा उत्तपम थोड़ा सा मोटा हो गया है तो हम प्याज डालते टाइम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। हाथ से फैला लीजिए। ये देखिए हमारा ब्रोकली रवा उत्तपम तैयार है।